अच्छा एक बात बताइए क्योंकि आ, मैंने शुरुआत भी माँ से की थी और माँ फैक्टर जो है राजनीति में बड़ा काम आता है आपको लगता है ऐसा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी जो थे मोदी जी जो है वो भी माँ से उनका लगाव जो था वो कहीं ना कहीं लोगों को उनकी ओर खींचता था पवन सिंह है भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार वो भी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो अपनी माँ के लिए लड़ रहा हूँ आप है आप कहते हैं कि भाई मोदी जी जो हैं वो हमारी जो माता जी हैं वो उनके भक्त हैं इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ मैं राजनीति में शामिल हुआ। आ, तो फैक्टर कहीं ना कहीं भारत के लोगों के लिए इमोशनल फैक्टर रहता है चुनाव नहीं इमोशनल नहीं, फैक्टर नहीं, 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 की बात नहीं है माँ किसी के लिए भी मतलब की माँ होती है और बेटा और बेटी माँ को समझ पाए या ना समझ पाए लेकिन माँ जो है अपने बच्चों को समझती है तो मेरी माँ ने जो कहा वो मैंने किया और माँ से सबको प्यार होना चाहिए वो राहुल गांधी भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तेजस्वी यादव जी भी करते हैं अखिलेश यादव जी भी करते थे मोदी जी भी करते हैं थे और मैं भी करता हूँ तो माँ का निर्णय जो है कभी भी अपने बेटे के लिए गलत नहीं हो सकता और इमोशनल फैक्टर नहीं है यह बात सत्य है आप लोगों ने देखा होगा जब मैं जेल के अंदर था तो मेरे लिए सड़कों पे अगर किसी ने संघर्ष किया तो मेरी माँ और मेरे शुभ चिंतक जो भी लोग थे जो गरीब तबके के लोग थे उन लोगों ने तो उस संघर्ष में मां का अहम योगदान है आज मैंने पार्टी ज्वाइन किया तो माँ के कहने पे ही ज्वाइन किया क्योंकि अः मैं चुनाव लड़ रहा था लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं विनोद तावड़े जी जो बीजेपी प्रभारी है बिहार के विजय सिन्हा जी सुशील मोदी जी मनोज तिवारी जी हरी सहनी हरी मांझी जी, जी और ऐसे अनेकों बीजेपी के नेता जो है वो मेरे लिए आवाज़ उठाए थे उस समय मन अमित शाह जी के कार्यालय में जो है मेरी बातें पहुँची वहाँ पे तो वहाँ पे भी आ, जो नित्यानंद राय जी हैं वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारा फैक्टर है जब माँ ने मुझे बताया और माँ के पास मनोज तिवारी भैया का फोन आया कि आ, आपके बेटा को जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम आ, करना है और आपको उसे भेजना पड़ेगा मनोज तिवारी भैया का ये हक भी बनता है क्योंकि मैं जेल में था तो वो जो है आ, मेरे से मिलने जो है जेल तक आए थे अंदर तक आए थे तो आ, फिर मैं माँ मा की बातों को नहीं काट पाया और ये बात सत्य है कि बीजेपी के लिए मैं पूरी मजबूती के साथ काम करूंगा